सो हेलो गाइस, रियलमी ने एक और नई सीरीज लॉन्च कर दी है, रियलमी P1 5G स्मार्टफोन। और आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट अंदर जो ये कैमरा ऐप मिलता है ना, आपको इसमें भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे फीचर्स बताने वाली हूँ कि इनका कैसा क्या यूज़ करना है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी आप ये जो रिंग लाइट देख रहे हैं, इसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए हम कैमरे फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो पहले कैमरे को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ना मोर पर आना है, यहाँ मिल जाएगी आपको पोर्ट्रेट ग्रुप सेल्फी। तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट ग्रुप सेल्फी ले सकते हैं, मतलब कि आप ग्रुप में फ़ोटो लेंगे ना, तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आप यहाँ फ़ोटो निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप टाइमर वगैरह सेट करके रख पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स, यहाँ फ़ोटो मोड पर आ जाना है। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो वगैरह निकालते हैं ना, तो ये नॉर्मली मोड से निकल रही है। मैं आपको यहाँ पर इसका साइज चेक करा देती हूँ। आप डिटेल पर जाएंगे तो 3.9 MB की ये फ़ोटो है, और इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। बट ये जो फ़ोटो है ना, वो 50 मेगापिक्सल से नहीं निकली है। इसके लिए आपको यहाँ मोड पर आ जाना है, हाई रेस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप जो भी फ़ोटो यहाँ से निकालेंगे तो वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। अभी मैं आपको इसका साइज चेक करा देती हूँ। आप डिटेल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं 8.5 MB की ये फ़ोटो है। तो इस तरह से आप ना हाई रेस से फ़ोटो निकालिएगा जो कि 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। नेक्स्ट फीचर्स, आप यहाँ फ़ोटो मोड पर आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। यहाँ से आप ना अपने फेस की ब्यूटी को कम ज़्यादा करके फ़ोटो निकाल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपको फ़िल्टर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप फ़िल्टर का भी यूज़ करिएगा फ़ोटो निकालते समय। और आपको इसमें ना एक और कमाल का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ जाएंगे आप 3 डॉट पर, देन यहाँ पर SDR को तो हमेशा आपको ऑटो पर ही रखना है जब भी आप फ़ोटो निकालते हैं। इससे जो आपकी फ़ोटो क्वालिटी है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, इसे ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आपको ना शॉट डिसाइड कर लेना है, और टाइम कि 3 सेकंड में आप कितनी शॉट लेना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हमने 5 शॉट कर दी है, और यहाँ हमने 2 सेकंड का टाइम रख लिया है। अब आपको यहाँ पर कोई भी फोटोज़ वगैरह निकालनी है, जैसे हम इसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप ना 2 सेकंड में 5 शॉट निकाल सकते हैं, मतलब आप अलग अलग सिचुएशन में खड़े हो पाएंगे। अब मैं आपको ये फ़ोटो चेक करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ गैलरी पर आएंगे, अब आपको यहाँ फ़ोटो पर आ जाना है, देन ये आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में हमने 5 फ़ोटो ली थी ना, वो 5ों फ़ोटो आ गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, आप यहाँ से टाइमर लगा सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो के साइज सेट कर सकते हैं कि आपको फुल में निकालना है इतने में, या फिर आपको 4:3 में निकालना है, आप रख लीजिएगा। देन ये होता है गूगल लेंस। आप यहाँ पर ना किसी भी प्रोडक्ट की फ़ोटो निकालेंगे तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचा देता है। यहाँ से आप उस प्रोडक्ट की A to Z डिटेल ले सकते हैं। और आपको कोई फ्लावर या फिर वर्ड्स का नाम पता नहीं है, तो उसकी फ़ोटो निकाल लेना है यहाँ से, तो गूगल आपको ऑटोमेटिक उसका नाम बता देगा। देन आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जो अदर लैंग्वेज में है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ उसे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बैक आ जाना है आपको। नेक्स्ट फीचर्स, यहाँ फ्लैश लाइट पर आना है। अब यहाँ से आप फ्लैश लाइट का भी यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ऑलवेज पर कर देते हैं तो जब भी आप कैमरे को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। देन आप ऑटो पर रख लेते हैं तो जब आप नाइट में फ़ोटो निकालेंगे ना, तब बस फ्लैश लाइट ओपन होगी। यदि आप ऑन पर कर लेते हैं तो आप फ़ोटो निकालते समय ऐसा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और गाइस, आप इसमें ना अगर फ़ोटो में अपने नाम, लोकेशन, नंबर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। देन आपको यहाँ नेक्स्ट आ जाना है मोर पर। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स मिल गए हैं, जैसे कि आप यहीं से स्लो मोशन वाली वीडियो बना सकते हैं, टेक्स्ट स्कैनर का भी आप यहीं से यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट रहेगा ना, बाकी जो आउट साइड का बैकग्राउंड है वो कैप्चर नहीं करेगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ फिल्म मोड पर आ जाना है। अब आप कुछ इस टाइप से ना यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं। और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि DSLR पर होते हैं। अगर आप DSLR चलाना जानते हैं तो इन फीचर्स का भी यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखो, इस टाइप से ना आप कोई भी फ़ोटो वगैरह निकालेंगे, जैसे कि हमने ये फ़ोटो निकाल ली है,
अब ये जो सब्जेक्ट है उसी को बस क्लियर दिखाएगा, बाकी जो आइट साइड के जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर इस टिल्ट शिफ्ट का भी यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फिल्टर वगैरह दिए गए हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये होता है अपर्चर। आप जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसे स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड कम दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ नाइट मोड पर आ जाना है। अपना नाइट में ये फोटो मोड से फोटो नहीं निकालिएगा, सिंपली आपको यहाँ नाइट मोड से निकालना है, फोटो जो है नाइट में अच्छी आने वाली है। यहाँ पर क्लिक करके आपको फिल्टर्स भी मिल जाते हैं नाइट मोड में, और इसके अलावा आप 0.1 वाइट एंगल का भी यूज कर सकते हैं नाइट मोड में, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप यहां से फ़ोटो वगैरह निकालिएगा, बहुत सारे लोगों की मतलब कि 10 से 15 लोग की फ़ोटो आप यहां से एक साथ निकाल पाएंगे। और यहां प्रो पर क्लिक करके आप ना यहां नाइट मोड में भी DSLR की कुछ सेटिंग करके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। आप यहां पर शटर स्पीड, ISO रेंज, EV वाइड बैलेंस को कुछ इस टाइप से आप यहां पर सेटिंग वगैरह कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट फीचर्स, स्ट्रीट मोड पर आना है। अब आप यहां से भी ना कुछ शॉट वगैरह निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप के आप यहां से शॉट निकाल पाएंगे, और ये ना ऑटोमेटिक ही जूम हो जाता है। आपका सब्जेक्ट जैसे बहुत दूर खड़ा हुआ है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही जूम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको फिल्टर दिए गए हैं तो आप फिल्टर्स का यूज कर लीजिएगा, देन फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। आप फ्लावर और फ्रूट्स वगैरह की फोटो निकालते हैं ना तो आप स्ट्रीट मोड से निकालिएगा। अब आपको यहाँ आ जाना है पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ पर आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं। आप यहाँ ऐप पर आएंगे ना तो यहाँ से आप अपर्चर को सेट कर सकते हैं, मतलब कि पीछे का बैकग्राउंड आपको कितना चाहिए आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड कम चाहिए तो अपर्चर को स्ट्रॉन्ग कर देना है, और आप बैकग्राउंड ज्यादा चाहिए तो अपर्चर को वीक कर देना है। अब नेक्स्ट फीचर्स, आपको यहाँ ब्यूटी मोड भी मिल जाता है। आप अपने फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और फिल्टर वगैरह भी मिल गए हैं आपको पोर्ट्रेट मोड में। बस एक कमी है कि पोर्ट्रेट मोड में आपको ना वाइट एंगल नहीं दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर मोड पर जाकर ये ग्रुप पोर्ट्रेट मिल गया है तो आप यहाँ से ग्रुप की फोटो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ वीडियो मोड पर आना है। जैसे मैंने आपको बताई थी कि आप यहां से ना 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, तो यहां रेजुलेशन पर आना है। यहां पर आप 4K 30 FPS में वीडियो शूट कर पाएंगे, और स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है आपको यहां पर, बट आप स्टेबलाइजेशन में ना सिर्फ 1080p 60 FPS में ही वीडियो शूट कर पाएंगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने फ़ोन को इस टाइप से सेक कर देते हैं वीडियो बनाते समय, तो आपको वीडियो में सेकनेस नहीं मिलेगी। बट यार मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि 4K में 30 FPS दिया है तो स्टेबलाइजेशन भी दे देना चाहिए, बट ठीक ठाक है। आप बैक कैमरे से तो 4K की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट जैसे ही आप सेल्फी कैमरा ओपन करेंगे ना तो आप यहां से 4K की वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे। यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं तो 1080p 30 FPS में ही बस आप यहां से वीडियो शूट कर पाएंगे सेल्फी कैमरे से। यहां पर आपको सेल्फी कैमरे में फिल्टर वगैरह भी दिए गए हैं, ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ना वीडियो बनाने के लिए फिल्टर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप वीडियो बनाते समय भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और ब्यूटी मोड तो कॉमन है, सभी मोड में आपको ब्यूटी मोड मिल जाता है। अब आप यहाँ सेटिंग पर आएंगे और यहाँ आप लेवल को ऑन कर लेना। अब आप ना लेवल को मिलाकर फोटो और वीडियो निकाल सकते हैं। देन यहाँ शटर साउंड मिल जाता है, ये अभी ऑन है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे ना तो क्लिक क्लिक करके जो साउंड आता था वो नहीं आएगा। और मिरर सेल्फी को तो आपको ऑफ कर देना चाहिए, इससे क्या होता है आप कोई भी सेल्फी लेते हैं कुछ इस टाइप से तो वो इस टाइप से मिरर हो जाती है, इसलिए आप इस फीचर्स को ऑफ करके रखिएगा। देन नीचे स्मार्ट मोशन पर आ जाना है, और यहाँ पर इन दोनों फीचर्स को ऑन कर लेना है। अब आप बैक आएंगे, कैमरे में और कहीं भी टच करेंगे तो ऑटोमेटिक ही फोटो निकल जाएगी कुछ इस टाइप से, और आप सेल्फी कैमरे में रहेंगे, आप अपने हाथ को कुछ इस टाइप से दिखाएंगे ना तो भी ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स, क्विक लॉन्च को ऑन कर लेना है आपको यहाँ पर। देन अब आपका ऐसा फोन बंद रहेगा, और आप वॉल्यूम माइनस बटन को 2 बार ऐसा प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ मोर पर आना है, देन लॉन्ग एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। अब आप यहां से ना लॉन्ग एक्सपोजर वाली फोटो निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप से आप यहां पर फोटो निकाल पाएंगे। आप यहां पर देखो कुछ इस टाइप से आप यहां पर फोटो निकाल सकते हैं लॉन्ग एक्सपोजर वाली, सिंपली आपको क्लिक कर देना है, और ऐसा आपको ना 5 सेकंड तक जिस टाइप से भी आपको शॉट लेना है तो आप शॉट ले लीजिएगा। देन आप यहां पर क्लिक करके आपको इस टाइप से बनाना है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से,
जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से रख लीजिएगा। और इसी में आपको फिल्टर वगैरह भी दिए गए हैं, तो आप फिल्टर का भी यूज करिएगा। ये वाला फीचर्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है इस फोन में। देन आप यहाँ से टाइमलेस वाली वीडियो बना सकते हैं, प्रो का यूज कर सकते हैं, पैनो का भी यूज कर सकते हैं। आप पैनो और प्रो का यूज कैसे करना है अगर आप हमारे वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ पैनो पर आ जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको वो सारे प्लेस को दिखा देना है। देन बहुत बड़ी फोटो एक ही फोटो में आ जाती है आप जब भी पैनो का यूज करेंगे तो।